पंजाब में कांग्रेस की सत्ता आते ही पंजाब पुलिस मुस्तैद हो गई है। कैप्टन सरकार के 4 सप्ताह में नशा खत्म करने के दावे ने अब रंग दिखाने शुरू कर दी है। वहीं आज फाजिलका पुलिस ने अपनी सख्ती के चलते किशमिश से लदे एक ट्रक से 1 किलो अफीम बरामद की है, जो कि राजस्थान से पंजाब में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। इसमें पुलिस ने 2 दोषियों को भी गिरफ्तार किया है। फाजिलका के SSP डॉक्टर केतन बलिराम पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत नारकोटिक सेल ने पुलिस पार्टी सहित अबोहर के सीतो गुनो रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी कि सामने गंगानगर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को जब रुका गया तो ट्रक नाकाबंदी से आगे जाकर रुका, जिसके बाद शक के आधार पर तलाशी लेने से ट्रक के कैबिन में से 1 किलो अफीम बरामद हुई है। हालांकि ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे, तभी पुलिस ने दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई अफीम राजस्थान से पंजाब में सप्लाई की जानी थी। फिलहाल दोषियों को अदालत में पेश कर उनका रिमांड हासिल किया जाया है, जिसके बाद तफ्तीश में बातें सामने आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। सरदारपुरा सीतो गुनो PS सदर अबोहर में नाका लगाया हुआ था, वहां से एक ट्रक PB09X4097 को उन्होंने रोकने की कोशिश की। ट्रक वाला रोका नहीं, आगे जाके जब उसको उसने ट्रक रोकी तो उनमें से 2 बंदे दलबीर सिंह इलिया साबी पुत्र बलविंदर सिंह कुम जट सिख वासी इब्राहिम वाला थाना बेगो वाला और बदल सिंह पुत्र बूटा सिंह को मजबी सिंह वासी नंगल लुबाना थाना बेगोवाला जिला कपूरथला 2 बंदे उन्होंने मौके पे अरेस्ट किए। उनके ट्रक से 1 किलो अफीम बरामद हुई है। हमने दोनों जो लड़के ये बेगोवाला पुलिस स्टेशन के दोनों को अरेस्ट कर लिया है। 1 किलो अफीम जो है हमने कोर्ट में पेश करके इन दोनों का अभी पुलिस रिमांड लिया हुआ है। UJ न्यूज के लिए जलालाबाद से मोंटी चूक की विशेष रिपोर्ट।